ये मेरा मंच है, सभा का सम्मान कीजिए। यदि आपको अपनी बात करनी है तो तरीके से करिए। कोई भी व्यक्ति चमार शब्द अपने नाम के साथ नहीं लगाएगा, क्योंकि चमार शब्द एक गाली है। वहां सहारनपुर में बोर्ड लगा हुआ है द ग्रेट चमार गढ़कौली वाले, उनको बताइए कि जब चमार ही है तो ग्रेट काहे बात के हुए। आप कैसे ग्रेट हो गए? आप अपने आप को समझते रहिए कि हम चमार हैं, हम ग्रेट हैं। लेकिन जो तथाकथित ऊंची जाति वाले, वे सब जानते हैं कि हम लोग ग्रेट नहीं है। उनको मन में पूछिए, क्या आपको बेटी दे देंगे वो? क्या आपके साथ अपनी बहू अपने घर में, आपके घर में रख देंगे अपनी बेटी को? बिल्कुल भी नहीं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सोच समझ के ये कहा था कि जाति का उच्छेदन यदि करना है तो सबसे पहले अंतर जातीय विवाह करना शुरू करो, ताकि जो उनसे उत्पन्न जो बच्चे हो उनको हम कोई भी जाति में न सीमित करके रख सके। झाड़ू का काम, सफाई का काम, तो भले ही ये काम छोटे नहीं होते, लेकिन फिर भी इस काम को हमारा ही समाज क्यों करे? हमारा ही समाज क्यों करे कि हाथ में झाड़ू लेकर के सफाई करे? सड़क पर हमारी बहन बेटियां जो इतनी सुंदर सुंदर, इतनी कोमल होती हैं, वो झाड़ू लेकर के सड़क झाड़ रही हैं, या जो नालों में जो हमारे कर्मचारी उतरते हैं वो दुर्गंध से और जो गैस निकलती है उससे तत्काल उनके प्राण चले जाते हैं और सरकार देखती रहती है। खास तौर पर दिल्ली में विशेष तौर पर ऐसा होता रहा है। मैनुअल स्कैवेंजिंग का जो रोक लगाई गई है, कानून बनाए गए हैं, मशीनों से सफाई होनी चाहिए, पर बावजूद उसके सरकार को उस पर अभी काम करना बाकी है। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि समाज के हर व्यक्ति का सम्मान हो, जिस तरह से संविधान में सम्मान है, जिस तरह से संविधान में हर नागरिक को समानता के अधिकार हैं। हमें जीवन के किसी भी क्षेत्र में कार्य करने का अधिकार है, देश के किसी भी भूभाग में, भाग में कार्य करने का अधिकार है। उसी तरह से सफाई का कार्य भी हर किसी को करने का अधिकार होना चाहिए। एक वर्ग विशेष के लिए, एक जाति विशेष के लिए ऐसा कार्य सीमित नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि जब ऐसा होता रहा है उसी कारण से देश में, समाज व्यवस्था में जाति व्यवस्था बनी रही है। और जाति व्यवस्था को यदि खत्म करना है तो ये जाति व्यवस्था को खत्म करने का कार्य आज से नहीं, पीढ़ियों से चला आ रहा है, हजारों वर्षों से चला आ रहा है। बाबा साहब ने भी जाति तोड़क एक मंडल के सामने अपनी बात रखने की कोशिश की थी, तो उनको उनके निमंत्रण को बाद में उनको निमंत्रण दिया गया था, बाद में उनका निमंत्रण खत्म कर दिया गया था। बाद में उन्होंने वही विचार जाति तोड़क जो मंडल के सामने जो स्पष्ट करने थे उनको उन्होंने पुस्तक के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट किया था। तो मेरा तो यही कहना है कि जीवन तो सभी पाते हैं, जीवन तो सभी जीते हैं और मृत्यु तो सभी पाते हैं, लेकिन श्रेष्ठ वही व्यक्ति होते हैं जो इस दुनिया में और इस समाज में अपनी पहचान बनाते हैं। तो पहचान यदि बनानी है तो झाड़ू उठाकर नहीं बनानी है, पहचान यदि बनानी है तो कलम उठाकर बनानी है, और कलम को भी इस तरीके से उठाना है कि कोई ये ना समझे कि कलम की जो निब होती है उसका काम होता है निर्णय लिखना, और निर्णय लिखने के बाद निब तोड़ दी जाती है। तो कलम की निब नहीं बनना है, कलम को हाथ में उठाना है, विचारों को प्रकट करने के लिए कलम का काम करना है। और बहुजन सम्यक संगठन इस देश का ऐसा संगठन रहेगा कि मैंने अभी कहा जीवन तो सभी जीते हैं, मृत्यु तो सभी पाते हैं, और व्यक्ति आएंगे, कार्यकर्ता आएंगे, 8 बरस में 12 बरस में बहुत से लोग जो संस्थापना दिवस पर भी उपलब्ध थे, मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं, वे भी रहेंगे, फिर भी नए व्यक्ति आएंगे, और बहुजन सम्यक संगठन की विचारधारा हमेशा रहेगी, हमेशा कायम रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। और बहुजन सम्यक संगठन के नाम के ऊपर एक मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये मेरे मन में काफ़ी समय से चल रहा है। पिछली बार भी मैं सोच रही थी कि इसके बारे में चर्चा करूँगी। एक बार मैं, क्योंकि समाज के बीच में उठ रहे थे, जा रहे थे, महिला उत्पीड़न पर काम कर रहे थे, और युवाओं के लिए, युवाओं के साथ जो कई बार उत्पीड़न होता था, छीना झपटी होती थी, मारपीट होती थी, उसमें समाज का युवा ही सबसे पहले चपेटे में आता था, उनके लिए काम कर रहे थे, माननीय काशीराम साहब की विचारधारा को घर घर में पहुँचा रहे थे। एक दिन मुझे रात में एक स्वप्न दिखाई दिया, स्वप्न दिखाई दिया तो मैंने माननीय काशीराम साहब को स्वप्न में देखा, उनका बहुत विशाल, बहुत ही बड़ा स्वरूप मुझे मेरे जहन में रहा, और उन्होंने मेरे सर पर 3 बार हाथ फेरा और बोले सम्यक सम्यक सम्यक, और बोल करके, वो सपना था मैं भूल गई, सुबह उठ करके मैं दफ्तर चली गई। दफ्तर जाकर सबसे पहले मैंने अपना कंप्यूटर खोला, यह सन 2012 की बात बता रही हूँ, मैंने कंप्यूटर खोला
और जैसे ही मैंने उसमें टाइप करना शुरू किया तो काम तो चल ही रहा था, संगठन का क्या नाम लिखा जाए उसके बारे में विचार चल रहा था, तो तुरंत मेरे मन से ये बात निकली कि बहुजन सम्यक संगठन नाम दिया जाए। मैंने उसी समय अपने भाई को फ़ोन लगाया और मैं तुरंत अपनी सीट से उठ करके बाहर गई और मैंने कहा कि भैया हम ये नाम देना चाहते हैं बहुजन सम्यक संगठन, ये कैसा नाम रहेगा? तो उन्होंने बोला कि दीदी ये नाम श्रेष्ठ है, आप इसी नाम को लेकर के चलें। तो बहुजन सम्यक संगठन जो नाम है वो हमारे विचार को प्रकट करता है कि इसमें माननीय काशीराम साहब का आशीर्वाद भी हमें मिला हुआ है। माननीय काशीराम साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, वो भुलाए नहीं जा सकते, ऐसे शख्सियत थे। उन्होंने सही मायने में जो बहुजन हैं, जो दलित हैं, उनको जो ताकत होती है, जो व्यवस्था की ताकत होती है, जो सत्ता की ताकत होती है, उसका उसको स्वाद चखाया। और न सिर्फ चखाया बल्कि इस देश की महिला को, दलित महिला को 4 बार मुख्यमंत्री भी बनवाया। उसके लिए बहुजन सम्यक संगठन आज भी माननीय काशीराम साहब को बहुत तहे दिल से नमस्कार करते हैं और हम माननीय काशीराम साहब की विचारधारा को लेकर के चले हैं। मैं भारत सरकार की सेवा में थी, रेलवे IRS ऑफिसर हूँ, 1987 बैच की ऑफिसर हूँ, आप लोगों को तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तो सब मेरे अपने ही हैं। 32 साल नौकरी करने के बाद मैंने ये सोचा कि 6 साल मेरे बाकी थे, चाहती तो मैं सर्विस में रहती, मेरे बैच में तभी मेंबर CVDT बने हुए हैं। मैंने ये सोचा कि एक न एक दिन तो कभी ना कभी मुझे समाज के लिए मुझे अपने नौकरी का त्यागपत्र देना ही पड़ेगा, तो क्यों ना अभी दे दिया जाए। 10 साल काम करते करते मैंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और अब मैं बिल्कुल एक जो बंधन था, जो जीविका उपार्जन का, वो भी मेरा खत्म हो गया और अब उस बंधन के बिना परिवार को मैंने हाथ जोड़ लिए कि मैं अब समाज के सेवा में काम करना चाहती हूँ। तो समाज के लोगों के लिए मैं अब बहुजन सम्यक संगठन को ही देश के घर घर में पहुँचा रही हूँ, बच्चे बच्चे तक पहुँचा रही हूँ और हर दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित और पिछाड़े हुए को एक करना चाहती हूँ, एक सूत्र में पिरोना चाहती हूँ, एक सूत्र में पिरोकर माला बनाना चाहती हूँ और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के गले में पहनाना चाहती हूँ। बहुत लंबे समय से एक ऐसा माहौल देश में बना हुआ है और ख़ास तौर पे हमारा जो समाज है, जो हम दलित बहुजन समाज के व्यक्ति हैं, मैं उन लोगों के लिए ये एक विचार उनको देना चाहती हूँ कि कभी भी कोई भी समय एक स्थिर नहीं होता, स्थायी नहीं होता, शाश्वत है तो सिर्फ बदलाव, जो निरंतर है वही बदलाव ही शाश्वत, वही चलता रहता है। बदलाव होना ज़रूरी है। पहले जब देश आज़ाद हो रहा था, मैं आज़ादी से पहले नहीं जाऊंगी क्योंकि इतिहास को हर कोई दोहराता है, जब देश आज़ाद हो रहा था, जब देश आज़ाद हुआ तो आवाज़ नहीं थी बहुजन की, बहुजन की आवाज़ बनी। बहुजन की जब आवाज़ बनी तो बहुजनों के मन में एक विचारधारा ने जन्म लिया कि हम विरोध करें, विरोध की राजनीति हम करते रहे और विरोध की राजनीति करते करते हम आज स्थिति में पहुँचे कि हम लोगों में अपने जो हमारी जो विचारधारा है, जो हमारी जो विरासत है, जो हमारे पूर्वजों की, जो हमारे संतों महात्माओं की जो शक्ति है, हम उसको भूल गए और हमने सिर्फ विरोध को अपना लिया। चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे संगठनों के बीच में हो, हम लोग सिर्फ विरोध करते हैं और विरोध करके हम अपने आप को ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा सशक्त महसूस करते हैं। जबकि यदि आप में सचमुच ताकत है, यदि आप में सचमुच मादा है कुछ करने का, तो बिना विरोध किए हम अपनी बात को मनवा सकते हैं। ऐसा हम में ऐसा मादा होना चाहिए। तो बिना विरोध किए यदि आप अपने अपने सभा में, अपनी संसद में अपनी बात पहुंचा सकें, वही सबसे बड़ी ताकत है। उसी ताकत को जगाने में निकली हूँ मैं। कभी भी किसी का विरोध नहीं करती, किसी भी जाति का विरोध नहीं करती, किसी धर्म का विरोध नहीं करती, समाज में कोई भी बात ऐसी नहीं कहती जिसके कारण व्यक्ति ये कहें कि ये छोटी बात बोल करके जो अपने आप को आगे बढ़ा रही है। हमेशा सम्मान करती हूँ, हर व्यक्ति का सम्मान है, मेरा सम्मान है तो आपका भी सम्मान है, दूसरी जातियों के व्यक्तियों का भी सम्मान है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम जातियों में पैदा हुए हैं, वरना प्राकृतिक दृष्टि से हम सभी व्यक्ति समान हैं। हमारे वही आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, बुद्धि, मेधा, वह सभी हमारी है और हम उसको यदि अपने तरीके से काम करें तो हम किसी भी जाति में जन्मे हों, हम सब एक समान हैं। और संविधान जिसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा था, उस संविधान में हम सभी को वो समानता के अधिकार हमें दिए गए हैं और अवसर की समानता के जो अधिकार हमें दिए गए हैं। तो कोई कारण नहीं है कि हम में से कोई ऊंचा या कोई नीचा या कोई छोटा या बड़ा हो। हम चाहें तो हम अपने जो हमारी व्यक्तिगत जो क्षमता है उसको श्रेष्ठता के चरम पर पहुँचा सकते हैं। ये हमारे प्रयासों के कारण हो सकता है।
यदि हम काम करने निकले और हमारा काम नहीं बनता है तो इसके पीछे हम खुद जिम्मेदार हैं। लेकिन क्या है, हमारे विचारों में पीड़ित मानसिकता ने जन्म ले लिया। हम एक पीड़ित मानसिकता के साथ जी रहे हैं कि मैं पीड़ित हूँ, मैं पीड़ित था, मैं पीड़ित रहा और मैं पीड़ित रहूँगा। इस विचारधारा के साथ हम चलते रहे हैं। ये जो विचारधारा है ये हमें समाज के शीर्ष पर पहुँचने से हमेशा रोकती रही है। मैं आज भी कहती हूँ, विक्टिम कैन नेवर बी विक्टर। जो विक्टिम है वो कभी विक्टर नहीं हो सकता, जो पीड़ित है वो कभी नेता नहीं हो सकता। तो यदि नेता आप हैं, यदि आप लीडर हैं, नेता का मतलब राजनेता नहीं होता, राजनीतिक क्षेत्र में जो नेता होता है वही नेता नहीं होता, जीवन के हर क्षेत्र में नेता होता है। हॉस्पिटल में वार्ड बॉय नेता होता है, बनते में भी एक नेता होंगे, और हम घर में भी जो परिवार होता है उसमें भी एक नेता होता है, परिवार का मुखिया होता है, समाज के हर क्षेत्र में एक नेता होता है। तो हम नेता हम तभी बन सकते हैं जब हम पीड़ित मानसिकता का त्याग करें, और पीड़ित मानसिकता का त्याग करने के लिए भारतवर्ष में हमारे पास वो सब उपलब्ध है कि हमें अब और पीड़ित मानसिकता के साथ अपने जीवन को नहीं जीना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध त्याग की प्रतिमूर्ति थे। सबसे बड़ा त्याग इस देश में, इस इतिहास में, भारत के इतिहास में यदि किसी ने किया है तो तथागत गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने किया, जो राजकुमार थे, जो एक राजा के वंशज थे और एक राजसत्ता के आसीन थे उस पर, लेकिन उनसे दुख नहीं देखा गया। दुख के कारण का निवारण, पहले तो कारण खोजने के लिए फिर निवारण करने के लिए उन्होंने न सिर्फ त्याग किया, राजसत्ता का त्याग किया, बल्कि बोधि प्राप्त की ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने इस देश को, इस विश्व को प्रेम का, करुणा का संदेश दिया। और उन्होंने ये कहा कि यदि हम एक मध्यम मार्ग का पालन करेंगे तो जीवन के क्षेत्र में हम आगे बढ़े। मध्यम मार्ग का जो संदेश दिया, न तो इस तरफ न उस तरफ, एक संतुलन बनाकर जीवन में, प्रकृति का संतुलन होता है। आप देखते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो बहुत सारे बादल इकट्ठे हो जाते हैं, प्रेशर बनता है और बारिश हो जाती है। बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो हवाएं चलती है और धूप निकल आती है। और इसी तरह से संतुलन स्थापित करने के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने जो मध्यम मार्ग का संदेश दिया, बहुजन सम्यक संगठन उसी मध्यम मार्ग पर चल रहे हैं। और तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था कि जीवन रूपी वीणा के स्वरों को इतना न कसो कि उसमें से जीवन रूपी संगीत न निकल पाए, और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि जीवन रूपी जो स्वर संगीत ही उसमें से बंद हो जाए और टूट जाए। तो मेरा यही कहना है कि संतुलन पर काम करेंगे और संतुलन से हम काम करेंगे, आगे बढ़ना है। हम अब खत्म नहीं होंगे, इस दुनिया में सत्य की तरह मजबूत है बहुजन सम्यक संगठन, सूर्य की तरह मजबूत है जो प्रतिदिन उगता है और प्रतिदिन अस्त होता है, और चंद्रमा की तरह मजबूत है जो सूर्य से ताकत लेता है। तो हम सत्य, सूर्य और चंद्रमा की तरह अटल हैं और निडर हैं, और अपने काम को करने के लिए मैंने अपने जीवन का परित्याग किया, अपने जीविका का परित्याग किया, और अब पूरे समाज के सामने एक उदाहरण पेश किया। मैं चाहती हूँ कि समाज की बेटियाँ, टिल्लू जी ने अपनी बेटी का नाम मेरे नाम पर रखा है, मैं उनको बहुत बधाई देना चाहती हूँ और उससे मिलना भी चाहती हूँ कि मेरी जो नाम राशि जो बेटी है वो प्रेरणा लेकर, मेरे जीवन से प्रेरणा लेकर यदि एक बेटी भी, एक बच्चा भी जीवन के क्षेत्र में नेता बनता है, लीडर बनता है, राजनेता की बात नहीं मैं कर रही हूँ, तो इसमें मैं अपने आप को धन्य समझूंगी और आगे के लिए मैं, मुझे काम करने में बहुत अच्छा लगेगा। मेरा यही कहना है कि हम डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ते तो हैं लेकिन हम डॉक्टर अम्बेडकर पर चिंतन नहीं करते। तो डॉक्टर अम्बेडकर को सही से पढ़ना यदि ज़रूरी है तो उसके लिए हमें फिर से एक बार पुस्तकों का मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, और तब हमें बात करनी पड़ेगी। वो रटे रटाए चार डायलॉग हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दहाड़ना भी बेवजह नहीं है, आप तब बोलिए जब ज़रूरत है। प्रकृति में संतुलन स्थापित करना है तो तब बोलिए जब उसकी ज़रूरत है, नहीं तो मत बोलिए। और बुराई को बुराई से ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बुराई को अच्छाई से ख़त्म करना है। अच्छी बात करो, अच्छी बात सुनो, अच्छाई करो, जैसे जियो, जब चाहे ये दुनिया बुराई करे तुम ना बुराई करो, अच्छी बात करो, अच्छी बात करो, अपनी योग्यता का लोहा मनवाओ। और मैं समझती हूँ कि जीवन के हर क्षेत्र में कार्य करना ज़रूरी है, चाहे वह राजनीति ही क्यों ना हो। यही सोचकर मैंने भी
सामाजिक सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दिया। मैं राजनीति में हूँ पर यह सामाजिक मंच है, बहुजन सम्यक संगठन हमेशा सामाजिक संगठन ही रहेगा। मैं आज आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि बहुजन सम्यक संगठन 100 बरस जिएगा, 500 बरस जिएगा, 1000 बरस जिएगा, ये तो आप लोगों पर और आपके आने वाली पीढ़ियों पर निर्भर करता है। मेरा ये विचार है कि व्यक्ति आए या जाए, विचारधारा कभी नहीं मरती। तो विचारधारा को लेकर चली हूँ, विचारधारा को काम करने को लेकर काम कर रही हूँ, जीवन में त्याग करने का मादा रखती हूँ, संघर्ष करने का मादा रखती हूँ और संघर्ष से कभी जी नहीं चुराती। तो आपसे यही निवेदन है कि बहुजन सम्यक संगठन को घर घर में पहुंचाएं। अभी हम जल्दी ही बहुजन सम्यक संगठन की पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारिणी का गठन करने जा रहे हैं। यहाँ पर हरियाणा से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, गुजरात से जितने भी साथी आए हैं और हरियाणा और मध्य प्रदेश, राजस्थान से भी, उनसे मेरा ये निवेदन है कि मुझसे मिल करके जाएंगे, शाम को बात करेंगे, हम लोग मीटिंग करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे। और जो संतों और विचारकों की जो विचारधारा है, जो समाज सुधारकों की विचारधारा है, उस पर हम काम करेंगे, क्योंकि इस देश के जो संत और समाज सुधारक हैं उन्होंने ही इस देश की जो परंपरा है उसको अक्षुण्ण रखा है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये बातें आज की नहीं हैं, ये तब से चली आ रही हैं। मैं भाई देशराज जी से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो गजट में अपने नाम के सामने चमार साहब लिखवाया, वो भले ही उनका मत रहा हो, लेकिन मेरा अपने समाज के लोगों से, व्यक्तियों से, भाइयों से ये निवेदन है कि देश में हजारों जातियां हैं, 6,743 जातियां हमारी समाज की हैं, उसमें भी उपजातियां भरी हुई हैं। तो उन जातियों में हम यदि अपनी अपनी जातियों को लेकर के चलेंगे तो जाति का निवारण कैसे होगा, जाति का उच्छेद कैसे होगा, तो जाति खत्म कैसे होगी। तो मेरा ये कहना है कि नाम के पीछे सरनाम बिल्कुल ना लगाएं, कुमार लगाएं या सिंह लगाएं, सामान्य सभी व्यक्ति लगा सकते हैं। कई लोग, आप माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, एक भाई मिले थे हमें, मध्य प्रदेश से आए थे, हाँ, उसमें मध्य प्रदेश में सेशन कोर्ट में वो जज थे, सत्र न्यायालय में, और उन्होंने बड़े फख्र से मुझे बताया कि मैं अपने नाम के पीछे चमार लगाता हूँ, उनका कुछ ऐसा ही नाम था। तो मैंने उनसे कहा कि आप जज हैं, जज साहब, आप चमार तो एक गाली है, गाली है कि नहीं है, कहते हैं ना भाई चोरी चमारी कर दी, तो गाली नहीं लिखा, लेकिन गाली दी जाती है, गाली के संदर्भ में दी जाती है, तो चमार एक गाली है, मैं इसको गाली मानती हूँ। जब हमें चमार बोला जाता है तो हमें अपमानित महसूस होता है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि अपने नाम के पीछे चमार शब्द न लगाएं, न ही कोई और भी शब्द लगाएं, न वाल्मीकि लगाएं, उससे बेहतर होगा अपने कार्यों के माध्यम से, अपने गुणों के माध्यम से, अपनी शिक्षा के माध्यम से समाज में संविधान को अपनाते हुए अपने आप को उस शीर्ष पर पहुँचाएं कि आपको अपनी जाति का सहारा ना लेना पड़े, कि आपको अपने नाम के पीछे चमार नहीं लिखना पड़े। क्या आपने किसी ब्राह्मण को अपने नाम के पीछे ब्राह्मण लगाते हुए सुना है? क्या आपने आपने किसी दूसरी जाति के अपने नाम के पीछे बनिया लगाते हुए सुना है? तो हम चमार क्यों लगाते हैं?